अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कासिम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वूकॉमर्स में न्यू ऑर्डर ईमेल जो एडमिन को जाती है, उस ऑर्डर ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में बुकिंग आईडी हम कैसे पास करेंगे, बुकिंग आईडी कैसे शो करवाएंगे। जैसे एक ऑर्डर आईडी होती है, एक बुकिंग आईडी होती है, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी तो हमारी ये है, हम इसको सिंपली यहाँ पे शॉर्ट कोड के थ्रू शो करवा सकते हैं। लेकिन हमने ये वाली बुकिंग आईडी जो है, वूकॉमर्स बुकिंग प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है, उसकी आईडी हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन के साथ यहाँ पे शो करवानी है, ठीक है। अभी करेंटली जो है हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया है, कैडेंस वूकॉमर्स ईमेल डिज़ाइनर, ठीक है। इसके थ्रू हम न्यू ऑर्डर ईमेल जो है वो डिज़ाइन करके सेंड करते हैं एडमिन को। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ से देखें, ये इसका जो थर्ड पार्टी प्लगइन है उसके थ्रू हम इसका टेम्पलेट जो है न्यू ऑर्डर का, ईमेल का, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ईमेल भी सेंड कर सकते हैं मॉडिफाई करने के बाद टेस्टिंग के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे न्यू ऑर्डर हमने यहाँ से डिसेबल किया हुआ है, क्योंकि हम थर्ड पार्टी प्लगइन के थ्रू डिज़ाइन टेम्पलेट जो है वो हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, अभी अगर मैं ईमेल सेंड करता हूँ ना, टेस्ट ईमेल, तो ये देखें यहाँ पे ये सब्जेक्ट लाइन है। मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे बुकिंग आईडी ये वाली शो हो जाए। जैसे ही मैं बाहर आता हूँ तो यहाँ पे मुझे पता चले कि बुकिंग आईडी का नंबर जो है विदाउट ओपनिंग है, ठीक है। तो ये चेंज होगा, उसके लिए हमने क्या करना है, ऑर्डर जो भी कस्टमर प्लेस करेगा उस ऑर्डर की अंदर से हमने बुकिंग आईडी निकालनी है, उस आईडी से जो अटैच है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक कोड स्निपेट का प्लगइन यूज़ कर रहे हैं। प्लगइन हमने मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद आपने ऐड न्यू स्निपेट पे आना है, यहाँ पे आए आप, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे यूज़ स्निपेट पे क्लिक करोगे और इसको एक हेडिंग दे दो यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ मैंने एक कोड जो है जिसके थ्रू हम ऑर्डर आईडी के अंदर से बुकिंग आईडी निकाल के उसको हम शो करवा सकते हैं सब्जेक्ट लाइन के साथ, ठीक है। यहाँ से पीएचपी कोड स्निपेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखें ये एक हुक यूज़ किया है मैंने, सब्जेक्ट लाइन जो चेंज करेगा न्यू ऑर्डर की जो एडमिन को सेंड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया है, ठीक है, इसका हम डिसेबल भी कर सकते हैं, जैसे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे जो ऑर्डर आइटम्स होंगी ना, ठीक है, जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है, तो उसकी हम डिटेल यहाँ पे गेट कर लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर लूप लगा के यहाँ पे ये एक वूकॉमर्स बुकिंग प्लगइन का फंक्शन है जिसके थ्रू हम आईडीज निकाल सकते हैं सारे ऑर्डर्स की, ठीक है। जितनी भी आइटम्स होंगी ऑर्डर के अंदर उन सब की आईडीज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर ईच लगा ऑल आईडीज, फॉर एग्जांपल ऑर्डर के अंदर चार आइटम्स थी प्रोडक्ट की, तो उन सब की आईडीज इसके अंदर आ जाएंगी, अरे बन जाएगी, और उसके ऊपर लूप लगाएंगे। और सो न्यू फंक्शन के थ्रू, ये न्यू बुकिंग फंक्शन जो है, इसके थ्रू हम बुकिंग का ऑब्जेक्ट जो है वो एक वेरिएबल में गेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट होगा जहाँ जिसके अंदर सारी बुकिंग का डाटा आ रहा होगा, और इस बुकिंग के ऑब्जेक्ट के अंदर से हम इसकी हर बु इस बुकिंग की आईडी निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो उसको हमने फिर रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद हम इसको स्निपेट को एक्टिव करेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करेंगे तो ये कोड जो है एनेबल हो जाएगा वेबसाइट पे। अब हम जाते हैं यहाँ पे ईमेल के ऊपर, तो यहाँ पे सेंड प्रीव्यू ईमेल विदाउट क्रिएटिंग ऑर्डर, यहाँ से हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा इसको हम सेव करके रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके, सेंड ईमेल, ईमेल सेंड हो चुकी है। हम जाते हैं वापस यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखो न्यू ऑर्डर 1294, ठीक है। ये देखें ऑर्डर आईडी मॉडिफाई, सब्जेक्ट लाइन जो है विद बुकिंग आईडी मॉडिफाई हो गया। एक्चुअल आईडी जो ऑर्डर की है वो ये है, लेकिन बुकिंग आईडी जो थी वो ये थी। तो वो बुकिंग आईडी हमने एडमिन ईमेल